यहाँ पर आपको स्क्रीन जो है 5.45 इंचेस की दी गई है जो कि QVGA है। ऑलमोस्ट आपको HD जैसा रेजोल्यूशन मिलेगा यहाँ पर, फिर भी QVGA यहाँ पर 18 नेशन। मोबाइल फोन वगैरह तो यार हम सभी इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर जो डिस्प्लेस लगे हैं वो हैं अलग अलग, फॉर एग्जांपल 480p, 720p, फुल HD या फिर 1440p। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि आखिर स्क्रीन कितने ज्यादा अलग अलग हैं। मतलब सुनने में लगता होगा ना कि 720p और फुल HD एकदम आसपास हैं या फिर 480p और जो HD है वो भैया ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और हम पता लगाते हैं कि आखिर ये कितने डिफरेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। शर्मा जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो जो है वो जबरदस्ती वाला वीडियो है, जबरदस्ती बनाना पड़ा है क्योंकि मुझे जो है बहुत प्रमोशन मिला है 480p और 720p से। इतना प्रमोशन तो यारी दोस्ती में भी कभी नहीं मिला। जब हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब हमने है ना आज ये वीडियो बनाई है जरा प्रमोट कर देना, इतना तो हमको यारी दोस्ती में नहीं मिला जितना प्रमोशन तो आज मिल गया है। अब फुल HD है तो भैया दुगने से भी ज्यादा, मतलब यहाँ पे तो 2.3 है तो और ज्यादा क्लियर मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों 1440p में ये 4.1 मिलियन, यानी कि और ज्यादा आपको फाइन मिलेगा यहाँ पे डिस्प्ले में क्लैरिटी। तो ये है भैया डिफरेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 480p और 720p जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा नहीं है, 720p और फुल HD भी ऑलमोस्ट एक जैसा नहीं है। ये अगर आप मैथ लगा लेंगे तो आई थिंक कि आपको बेहतर समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, PPI क्या हो गया है भैया यहाँ पे, डिस्प्ले रेजोल्यूशन क्या हो गया है और किस तरीके से काम करती है। अगर हम चाहूँगा ना दोस्तों ऊपर 4K में, अगर मैं पांचवा जाता हूँ यहाँ पे, लेट से कि हम बात करते हैं 4K की, और 4K की अगर मैं बात करता हूँ 18:9 की, तो ये यहाँ पे 9 मेगापिक्सल से भी ऊपर जाएगा, यानी कि 9 मिलियन पिक्सल से ऊपर जाने वाला है। तो अभी आप खुद समझ लो कि कैसी चीजें काम कर रही हैं। और 195 PPI कचरा चीज है एकदम बेकार, मतलब आपको क्लियरली डॉट्स देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा सा आप जरा सा भी नजदीक से देखोगे तो आपको वो अलग अलग डॉट्स दिखेंगी बिकॉज वो क्लियरली विजिबल होगा यार, 480p का स्क्रीन है, 720p होता है तो भी हम देख पाते हैं, फुल HD की रेजोल्यूशन अलग बात है। लेकिन ये है दोस्तों आपके सामने गणित स्क्रीन की और पिक्सल्स की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बात करते हैं कि भाई साहब मैंने ऐसा बोला कि जो 480p है ऑलमोस्ट सेम सा ही लगता है, तो इसके लिए मेरा एक छोटा सा डेमो आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि जो है वो थ्योरेटिकल में चीज़ें अलग होती है, प्रैक्टिकल में चीज़ें अलग होती हैं। अगर आप 20 साल की पढ़ाई करते हो थ्योरेटिकल में, लेकिन वो आपके आने वाली 80 साल की ज़िंदगी में काम नहीं आती है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वही काम आती हैं। ठीक है,
बात कर लेते हैं सबसे पहले कैमोन आई फोन की, कि क्या वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है 7500 रुपए की कीमत में। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप वाला फ़ोन ख़रीद लो, मैंने आपको ये नहीं कहा कि ये दुनिया का बेस्ट फ़ोन है या इस बजट में बेस्ट फ़ोन है, मैंने आपको ये नहीं कहा कि यही फ़ोन है जो आपको लेना है। मैंने वो फ़ोन आपको अनबॉक्स करके दिखाया है, आपको पता लग गया कि ये फ़ोन कैसा है, अब आपको लेना है या नहीं लेना आपके ऊपर है, ठीक है। ज़बरदस्ती की किसी के साथ नहीं की ना, तो जाके वीडियो दोबारा देख लो, लिंक मिल जाएगा ऊपर कार्ड्स के अंदर। पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर एक फुल HD प्लस स्क्रीन के ऊपर, अगर आप एक 480p की वीडियो देखते हो या 720p की वीडियो देखते हो, और उसके बाद में दिखाएंगे आपको एक वीडियो, सेम वीडियो दिखाएंगे 480p वाले फ़ोन के ऊपर, टेक्नो वाले के ऊपर, और एक और फ़ोन है जिसमें 720p यानी कि HD प्लस का रेजोल्यूशन है। सेम वीडियो आपको चार अलग अलग स्क्रीन पे दिखाएंगे 480 में और 720 में, आपको खुद से जज करना है कि किसकी वीडियो बढ़िया है। देख लो पहले, फिर जज करना, कमेंट बाद में करना, पहले देख तो लो। अब बात करते हैं रियल फोन की, तो ये जो है रियल फोन है, कैमोन आई जो भी आप बोलेंगे, ये जो है कैमोन आई वाला फोन है, और इसकी स्क्रीन है वो एक्चुअल में ही वही है, और साथ में यहाँ पर जो एक फोन लिया आईटेल का S44, इसमें जो है वो 720 वाली स्क्रीन है। तो आप देखेंगे अगर स्क्रीन ही सेम तरह की है तो उसमें कितना जो अंतर आपको मिलता है, ठीक है। सेम वीडियो लिया मैंने यहाँ पर, और आप देखेंगे इसकी जो क्वालिटी है वो मैक्सिमम 480p ही है, क्योंकि इसके ऊपर प्ले नहीं कर सकता है, जिसकी जो स्क्रीन होती है वो उतना ही प्ले करता है। आपको जूम करके दिखाऊं, शायद नहीं दिख रहा है, तो ये देखो 480 है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा वाला दिखाता हूँ, दूसरा वाला जो है इसकी क्वालिटी है इसको 720 कर दिया, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर। और ये जो है वो इंटरनेट डायरेक्ट हो रही है, यहाँ पे वाईफाई हमने यहाँ पर जो कनेक्ट वाला कर रखा है, इसमें कनेक्ट वाईफाई नहीं, इसमें कर लो जी कनेक्ट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हर चीज़ कोई भी जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कनेक्ट हो गया, चलो जी कनेक्ट हो गया। 480 रखी हमने, कोई ऑटो नहीं रखी, कोई वो नहीं रखी है, और इसमें भी जो है वो चला देते हैं हम यहाँ पे, दोनों को प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आ जाओ जरा फटाफट, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ब्लैक में वैसे भी जो है वो थोड़ा आता नहीं है ये, आ जाओ फटाफट आ जाओ, ये 20 सेकंड पे, ये 27 सेकंड पे, चलो। तो पहले जो है वो 720 को देख लो आप यहाँ पे, ये जो है वो 720 वाला यहाँ पे फ्लो आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है। अरे भाई थोड़ा जल्दी आ जाके, क्यों वेट करा रहा सबको, कितना सेकंड पे है ये, हाँ अब आ गया है। तो ये है एक्चुअल में 480 और 720p, बहुत ही माइनर सा आपको जो फ़र्क पड़ेगा, यानी कि फ़र्क नज़र आएगा, इसके अलावा आपको फ़र्क पता ही नहीं लगेगा कि 480 में और 720 में कितना अंतर है। अगर आप इसको पकड़ोगे और अगर यूं घुस जाओगे ना इसके अंदर यूं, तब जाके आपको थोड़ा बहुत फ़र्क पता लगेगा, वरना पता ही नहीं लगेगा, लेंस लेके देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये होता है, अगर बजट फ़ोन है, 480p की स्क्रीन है, मान लिया जो भी सारी चीज़ें हैं कि वो वर्थ वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, लेकिन जो चीज़ समझ में आनी चाहिए या चीज़ बताने वाली बात है वो कुछ इस तरह से बताई गई थी, और मैंने तो जनरली ऐसे ही बोल दी थी, लेकिन आज मैं आपको सोच समझ के बड़े एग्जांपल के साथ मैं दिखा रहा हूँ, ये 480 है और ये जो है वो 720p है, ठीक है। लग रहा है आपको अंतर, लग रहा है तो बताना वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर, और बाकी आपकी जो राय है वो आप दे सकते हैं नीचे, जिसको लेनी है वो ले लेगा, ठीक है जी। अगर अभी भी दिमाग की खिड़कियाँ नहीं खुली हैं तो अपनी खिड़कियों को बंद करके रखो, क्योंकि फालतू की आएगी ना बातें कुछ दिमाग के अंदर, तो दिमाग ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर पसंद आ गई है, बात समझ में आ गई है तो शेयर कर देना, वरना डिसलाइक और कमेंट्स खुले हैं, हमेशा खुले ही रहेंगे, क्योंकि आपको जो करना है वो आपको करना है, कोई रोकने वाला है नहीं, कोई टोकने वाला है नहीं। और हाँ, फ्री में प्रमोशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर यही प्रमोशन यारी दोस्ती में कभी दिया होता तो छोड़ो बात।